राजस्थान विधानसभा में बेनीवाल को गहलोत ने कहा बोतल वाली पार्टी तो बदले में मिला ऐसा जवाब। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान सोशल मीडिया में छाए रहे विधायक हनुमान बेनीवाल 15वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में भी सुर्खियों में हैं। मंगलवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र में कभी हंगामा हुआ तो कभी ठहाके लगे हैं। दरअसल राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीपी जोशी को बधाई दी। इसी दौरान सभी दलों का नाम लेते हुए गहलोत ने हनुमान बेनीवाल को बोतल वाली पार्टी कहकर संबोधित किया। गहलोत की इस चुटकी पर पूरा सदन ठहाकों से गूंजा। पानी की बोतल है वो डैश हनुमान बेनीवाल। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को बधाई देने का हनुमान बेनीवाल का मौका आया तो उन्होंने भी चुटकी भरे अंदाज में सीएम गहलोत सीएम अशोक जालत की बोतल वाली बात का जवाब दिया। बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पानी की बोतल है, जो आप समझ रहे हैं वो वाली बोतल नहीं। पूर्व स्पीकर ने विधायकों को गुंडा बताया। विधानसभा में हनुमान बेनीवाल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर भी निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को गुंडा बताकर सदन का अपमान किया था, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जानिए कौन है हनुमान बेनीवाल। किन एमएलए हनुमान बेनीवाल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान प्रदेश की राजनीति के गलियारों में सबसे अधिक सुर्खियों में रहने वाले नेता हैं। इनका जन्म 2 मार्च 1972 को नागौर जिले में रामदेव मोहन देवी के घर हुआ। एलएलबी तक शिक्षित हनुमान बेनीवाल की शादी कन्या बेनीवाल से हुई है। इनके एक बेटा आशुतोष व बेटी दिया है।